नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्ड चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ई श्रम कार्ड में अपना ऑनलाइन सुधार कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ई श्रम कार्ड के पैसे नहीं मिले हैं और आप ई श्रम कार्ड की सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन किसी समस्या के कारण आपको ई श्रम कार्ड की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने ई श्रम कार्ड में कैसे सुधार करेंगे, इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। यहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट को, अपनी पर्सनल जानकारी को, अपने मोबाइल नंबर को, सारी चीजों का बदलाव ई श्रम कार्ड में आसानी से कर सकते हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो ई श्रम कार्ड में सुधार करने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आपको अपने ई श्रम कार्ड को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है ई श्रम कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पे। देखिए, इस प्रकार से इसका डैशबोर्ड खुलेगा और जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए आपको अपडेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा आएगा अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार, आपको इसी के ऊपर ही क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है, फिर यहाँ ये कैप्चा भरना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो चलिए हम डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर पर ओटीपी भेजाएगा, ओटीपी यहाँ डाल दीजिए और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए इस प्रकार से पेज आएगा, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और अब आपको ओटीपी या फिंगरप्रिंट या आयरिस से वेरीफाई कराना है। तो हम क्या करेंगे, आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर ओटीपी चुनेंगे और फिर यहाँ कैप्चा कोड भर के कैप्चर पे क्लिक करेंगे या ओटीपी से वेरीफाई कराएंगे। जैसे ही आप ओटीपी डालकर वेरीफाई कराते हैं तो देखिए इस प्रकार से पेज आएगा, यहाँ पर आपकी जानकारी दिखेगी। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, तो जैसे ही आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक चकमक लगाने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको चकमक नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर चकमक लगा देंगे तो आपका ई श्रम कार्ड डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपको चेकमार्क नहीं लगाना है, बिना चेकमार्क लगाए ही आपको अपडेट ई केवाईसी इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना होगा। फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको चेकमार्क नहीं लगाना है, बिना चेकमार्क लगाए ही अपडेट ई केवाईसी इंफॉर्मेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए जैसे ही आप बिना चेकमार्क लगाए इस पेज पे आ जाते हैं तो देखिए आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। अब आप देखिए यहाँ से प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, यूएएन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और पात्र योजनाओं के बारे में भी खोज सकते हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि प्रोफाइल अपडेट कैसे करेंगे। तो हम प्रोफाइल अपडेट पे करते हैं क्लिक। अब देखिए अगर आप व्यक्तिगत जानकारी बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बदलेंगे, पता बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बदलेंगे, शिक्षा और आय बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बदलेंगे, व्यवसाय या कौशल यहाँ से बदलेंगे, या बैंक खाता यहाँ से बदलेंगे, या प्रोफाइल में जो पूर्व अवलोकन है वो यहाँ से कर पाएंगे। तो मान लीजिए हम व्यक्तिगत जानकारी बदलना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा आएगा, क्या आप असंगठित श्रमिक डेटा अपडेट करना चाहते हैं, तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही देखिए आपके सामने इस प्रकार से ये जो है पेज खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको वो सारी जानकारी भरनी होगी जिसकी आप यहाँ पर जानकारी अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से वो जानकारी आसानी से आप अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए जो भी आपने जानकारी यहाँ पर बदली है, बदलने के बाद आपको अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है, तो वो जानकारी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी जानकारी अपडेट करनी है, अपने प्रोफाइल को अपडेट कर देना है। दोस्तों इसी प्रकार से आप बैंक अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर आप यहाँ यस करेंगे तो देखिए आपके बैंक अकाउंट की जानकारी यहाँ पर खुल जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से लिखा आएगा कि आपकी ये जानकारी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आप बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर नई बैंक की जानकारी डालने के बाद आपको अपडेट के बटन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आपका बैंक भी अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप यहाँ से सारी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने प्रोफाइल को प्रीव्यू करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका पूरा प्रोफाइल यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपकी यहाँ पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसे सही कर दीजिए, सही करने के बाद आप उसे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से अपने ई श्रम कार्ड में सुधार कर पाएंगे या उसे अपडेट कर पाएंगे। इसके बारे में फ्रेंड्स अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।